हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित टेक में। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोल्डर बनाने के बारे में, कि फोल्डर को कैसे क्रिएट किया जाता है और क्रिएट करने के बाद उसके आइकन को कैसे चेंज किया जाता है। तो बने रहिए हमारे पूरे वीडियो में, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। और चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा। तो हम न्यू के ऑप्शन पे जो ही आएंगे तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फोल्डर हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। बाहर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हमारा फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। अब फोल्डर बनने के बाद जो लोग न्यू हैं उन्हें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि इसके आइकन को, जो यहाँ पे येलो कलर का जो बना हुआ आइकन जो इसका बन के आता है अपने से, इसे हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अब इस फोल्डर के ऊपर काम करना है हमें। तो इस फोल्डर पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होता है प्रॉपर्टीज, तो इस प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो ही हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे फोल्डर का प्रॉपर्टीज वाला डायलॉग बॉक्स खुल करके हमारे सामने आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज लिखा होता है, तो अब हमें इसके आइकन को चेंज करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम इस कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो हम जो ही इसमें कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस आइकन का जो फोल्डर होता है उसका यहाँ पे कस्टमाइज वाला ऑप्शन खुल के सामने आ गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज आइकन, तो यहाँ से हम क्लिक करके अपना आइकन को देखिए, इसमें बहुत सारे आइकन दिए हुए हैं, मौजूद हैं। इसमें से हमें जो आइकन पसंद है उस आइकन को हम लोग अपने फोल्डर के ऊपर लगा सकते हैं। तो जैसे अभी हमें इस ट्री वाले को लगाना है तो हम इस पर क्लिक किए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग इसे ओके कर देंगे। चूज करने के बाद ओके करेंगे। फिर उसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे फोल्डर इसी पे काम करना था हमें। और यहाँ से जो ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा फोल्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे हमारा मॉडिफाई हो गया हमारा फोल्डर, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से इसे हम ओके कर देंगे। इस तरह से हम अपने फोल्डर के आइकन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। नहीं तो एक और रास्ता है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे प्रॉपर्टीज पे और यहाँ पे कस्टमाइज पे और यहाँ पे लिखा हुआ है चूज फाइल। अगर हम पहले से ही अगर किसी पिक्चर को अगर हम इसमें रखे हुए हैं तो उस पिक्चर को भी अपने फोल्डर के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये सब आप करके देखिएगा, और जहाँ पे भी कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर जरूर देंगे आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।